बिहार में किंग मेकर की भूमिका में तेजस्वी बाबू क्या खूब उभर कर आए हैं। चाचा नीतीश कुमार को किंग बनाकर हार कर भी जीतने वाले को तेजस्वी यादव ना कहें तो और क्या कहें जनाब। नीतीश कुमार के बीजेपी से गठबंधन तोड़ आरजेडी से नाता जोड़ने में तेजस्वी की अहम भूमिका रही। क्रिकेट की पिच पर बोल्ड, लेकिन राजनीति की दुनिया में सुपरहिट लालू के इस लाडले का सियासी सफर गजब का रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम की शपथ ले चुके तेजस्वी यादव को सत्ता के गलियारों का अच्छा खासा अनुभव है। बिहार के युवा राजनेता तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को गोपालगंज बिहार में हुआ था। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के छोटे बेटे हैं। 32 साल के तेजस्वी ने प्राथमिक शिक्षा बिहार के पटना से ही पूरी की है। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए तेजस्वी दिल्ली आ गए। वो दिल्ली में अपने बहन के पास रहते थे। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया। इसी स्कूल में उनके जीवन में एक नया बदलाव आने वाला था। इसी स्कूल में तेजस्वी पढ़ाई के साथ क्रिकेट भी खेला करते थे। वैसे तो बचपन से ही तेजस्वी को क्रिकेट खेलने का काफी शौक था, लेकिन स्कूल के बाद तेजस्वी का क्रिकेट में ऐसा मन लगा कि उन्होंने आगे पढ़ाई ही नहीं की। पढ़ाई छोड़ने के बाद तेजस्वी ने क्रिकेट की प्रैक्टिस करना शुरू किया। क्रिकेट में वो इतने आगे गए कि आईपीएल का हिस्सा तक बने, लेकिन उनकी किस्मत तो राजनीति में ही लिखी थी। साल 2010 में तेजस्वी ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा। उस वक्त यूपीए की सरकार थी। उन्होंने राजनीति में आने के बाद पिता लालू प्रसाद यादव के लिए प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर दिया। 2015 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। वैशाली जिले की राधोपुर विधानसभा से वो चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में तेजस्वी को करीब 90,000 वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा के सतीश कुमार थे, जिन्हें लगभग 68,000 वोट मिले, यानी तेजस्वी 22,000 वोटों से जीत गए। आरजेडी जेडीयू की सरकार बनी तो उसमें डिप्टी सीएम भी बने। फिर गठबंधन टूटा तो विपक्ष के नेता भी बने। तेजस्वी यादव पर कई घोटालों के भी आरोप हैं। बेनामी संपत्ति का भी आरोप लगा। इससे पहले वो IRCTC होटल और जमीन घोटाले के मामले में भी फंसे थे। इस मामले में CBI की जांच अभी भी जारी है। साल 2015 में तो तेजस्वी पर पिता लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया थी, लेकिन 2020 में उनके सामने आरजेडी का नेतृत्व करने की एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पिता लालू प्रसाद यादव जेल में थे। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी तेजस्वी ने जेडीयू और भाजपा गठबंधन को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने इस बार फिर बीजेपी के सतीश कुमार को हराया। उनके चुनावी भाषण भी आए दिन चर्चा में रहते हैं। सख्त लहजे में विपक्षी नेताओं को खरी खोटी सुनाने में वो माहिर माने जाते हैं। बहरहाल, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।